हेलो एवरीवन, हैप्पी होली आपके और आपके परिवार को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इस होली मेकअप लुक को। इस मेकअप लुक को आप डे में भी कर सकते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं, और आप पूजा के वक्त भी इस मेकअप लुक को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा मेकअप लुक है, इसे हर कोई ट्राई कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं। और यहाँ मैं सबसे पहले लगा रही हूँ अपना एलोवेरा जेल पतंजलि का, और मैं इसे एज अ फेस प्राइमर लगाऊंगी। और नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगाने जा रही हूँ अपना फेवरेट मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन, और ये भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है आपके फेस पर, काफ़ी देर तक आपका मेकअप जो है बनाए रखता है। और एक स्पॉन्ज की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी फिंगर की हेल्प से। और अपने कंसीलर को मैं लैक्मे लूज पाउडर की हेल्प से सेट कर लूंगी। और मेरी ड्रेस आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर की है, तो मैं ऑरेंज कलर का शेड पिक करूंगी अपने आई शेडो पैलेट से। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ अपने आई शेडो पैलेट से ये ग्रीन कलर। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पर येलो कलर का शेड। अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी अब मैं। अब मैं लगाऊंगी आईलाइनर। ये वाटरप्रूफ है और लॉन्ग लास्टिंग है, काफी देर तक आपकी आईज पर टिका रहता है, पानी से भी ये नहीं निकलेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर जेल आईलाइनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं हल्का सा अपने आईलाइनर को स्मज कर लूंगी। और अपने मेकअप को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं अपने आई शेडो पैलेट से शिमर शेड लूंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेकअप फिक्सर स्प्रे कर रही हूँ अपने ब्रश पर। ये गोल्डन कलर का शेड ले रही हूँ मैं, ये कुछ येलो से कलर में है तो इसलिए मैं ये वाला गोल्डन शेड ले रही हूँ।
नेक्स्ट मैं अपने आई शेडो पैलेट से ये ऑरेंज कलर का शेड अपने येलो कलर के शेड के ऊपर ही मैं इसे लगाऊंगी, ताकि मेरा जो शेड है वो और थोड़ा सा उभर कर दिखे। और ये देखिए, जो मैंने आई शेडो लगाया था पहले, मैंने उसी के ऊपर अपने शिमर पैलेट से ये वाला ग्रीन कलर का शेड लगा रही हूँ। इस टेक्निक से आपका जो आई शेडो है वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और बिल्कुल हल्का सा लगाना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। ये देखिए, पहले जो मैंने ग्रीन कलर का आई शेडो लगाया था थोड़ा लाइट दिख रहा था, तो इसलिए मैंने उसी के ऊपर ये शिमर आई शेडो लगाया, जिससे ये कलर जो है थोड़ा सा और उभर कर दिख रहा है आपको। दैट्स इट, इससे मेरा आई जो मेकअप है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब मैं लगा लूँगी मस्कारा और काजल। आप अगर मस्कारा नहीं लगाना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं लगा लूंगी काजल। तो अब मैं लगा लूंगी अपनी लिपस्टिक। लिपस्टिक लगाने से पहले अगर हम लिप लाइनर लगाते हैं ना, तो लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है। लिपस्टिक का शेड भी बहुत अच्छे से उभर कर आता है। हो सकता है आपको कैमरा में मेरा जो लिपस्टिक का शेड है वो थोड़ा सा चेंज नज़र आए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाइलाइटर। अगर आप दिन की पार्टी में कहीं जा रहे हैं बाहर, तो आप हाइलाइटर को स्किप भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप नाइट पार्टी में हैं तो आप हाइलाइट को लगा सकते हैं। मेरा मेकअप डन हो चुका है और ये है मेरा फाइनल लुक। आप अपने हिसाब से कोई भी ज्वेलरी वगैरह या हेयर स्टाइल आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी से आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी होली। और प्लीज़ ध्यान से खेलिएगा और अपने परिवार के साथ इंजॉय कीजिए इस होली के त्यौहार को। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।